एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 के इतिहास के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मूल निवासियों के विस्थापन, इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम 2025 में पूछे जाने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस आंसर को हमने इस सिंगल वीडियो में जो है कवर किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहला जो शब्द है वह है सेटलर। सेटलर से कई बार जो है एमसीक्यू में सवाल पूछे आते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इस शब्द से अभिप्राय किसी स्थान पर बाहर से आकर बसे लोगों से, यानी ये शब्द जो है सेटलर या आबादागार उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो लोग बाहर से आकर बसे थे। राइट, नेटिव या मूल निवासी कौन है? तो ऐसा व्यक्ति जो अपने वर्तमान निवास स्थान पर ही पैदा हुआ और लंबे समय से वहीं पर निवास कर उसे नेटिव या मूल निवासी के नाम से जानते हैं। वेम्पुम बेल्ट, तो यह बेल्ट रंगीन सीपियों को आपस में सिलकर बनाई जाती थी जो मूल निवासियों के द्वारा जो है दिया जाता था। रेड इंडियंस, तो गेहूं रंग के लोग जिनके निवास स्थान को कोलंबस ने गलती से इंडिया समझ लिया था उसे हम रेड इंडियंस कहते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि जो कोलंबस है वो जब अमेरिका महाद्वीप के तट पर 1492 में पहुंचा तो उसे वो इंडिया समझा और इसीलिए उन जगहों पर रहने वालों को उसने इंडियंस कहा, जिसके बाद इसे रेड इंडियंस के नाम से जाना गया। अगला है रिजर्वेशंस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आरक्षण, यहाँ से सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो वे छोटे छोटे इलाके जहाँ अमेरिका के मूल निवासियों को रहने के लिए मजबूर किया जाता था उन्हें रिजर्वेशंस या आरक्षण के नाम से जाना जाता है और अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उन्हें चिरोकी के नाम से जाना गया। क्या नाम दिया? चिरोकी कबीलों के नाम से। ठीक है, अगला है मेटिस, तो यूरोपीय मूल निवासियों के वंशज को मेटिस कहा गया है। गोल्ड रश क्या है? दक्षिण अमेरिका के में सोना पाने के लिए यूरोपीय लोगों के बीच जो मची आपाधापी अथवा मारामारी थी उसे गोल्डन रश कहा जाता है। तो उत्तरी जो अमेरिका था, दक्षिण अमेरिका, तो वहाँ के कैलिफोर्निया में जो सोने की खदान पाई गई और उसी खदान को प्राप्त करने के लिए जो यूरोपियंस थे वो भागे कि सबसे पहले उस सोने को कौन प्राप्त करेगा, सबसे ज्यादा कौन प्राप्त करेगा। इसी भी जो हुड़दंग मचा, जो आपाधापी मची उसे गोल्डन रश के नाम से जाना जाता है। फ्रंटियर, तो किसी राज्य या प्रदेश की सीमा को फ्रंटियर कहा जाता है। एबर रिजरीज क्या होता है? तो ऑस्ट्रेलिया के जो आदि मानव उन्हें इस नाम से जाना जाता है। टेरा न्योलिस, तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा देश की भूमि को दिया गया नाम, इसका अर्थ है जो किसी की नहीं है। तो टेरा न्योलिस काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एबोरिजिनीज काफी इंपॉर्टेंट है, फ्रंटियर बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन रश, रिजर्वेंस और आपका वेम्पुम बेल्ट। तो यहाँ से जो है सवाल पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, ये चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप कवर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने, यानी क्या अमेरिकियों के लिए जो फ्रंटियर उसके क्या मायने हैं और क्या अर्थ है उनके लिए। तो अगर हम अमेरिकियों के लिए मायने अर्थ की बात करें तो यूरोपीय द्वारा जीती गई भूमि और खरीदी की भूमि के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार होता रहता था और इससे अमेरिका की पश्चिमी सीमा खिसकती रहती थी और इसके साथ मूल अमेरिकियों को भी पीछे हटना पड़ता था। वे राज्य की जिस सीमा तक पहुंचते थे उसे फ्रंटियर कहा जाता था। इस तरह से जो है सवाल पेपर में आते हैं, 3 नंबर में 1 नंबर में क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, अगला है इतिहास की किताबों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को शामिल क्यों नहीं किया गया था। तो यूरोपीय इतिहासकारों ने ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के प्रति भेदभाव की नीति अपनाई। उन्होंने अपनी पुस्तकों में केवल ऑस्ट्रेलिया में आकर बसे यूरोपियों को ही उपलब्धियों का वर्णन किया और ये दिखाने का प्रयास किया कि वहाँ के मूल निवासियों की ना तो कोई परंपरा है और ना ही कोई इतिहास। इसी कारण इतिहास की पुस्तकों में उनकी उपेक्षा की गई है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है सेटलर। सेटलर क्या होता है? सेटलर या आबादागार, तो सेटलर शब्द जो है किसी स्थान पर बाहर से आकर बसे लोगों से है और इस शब्द का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में डचों के लिए किया गया था, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश लोगों के लिए किया गया था, अमेरिका में
यूरोपियों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, सेटलर यानी आबादकार शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। तो इस तरह से सवाल आपसे आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे आपके पेपर में। अगला है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका के आरंभिक निवासियों के जीवन शैली की कोई तीन विशेषता बताओ। तो सबसे बड़ी विशेषता क्या थी जो उत्तरी अमेरिका के निवासियों की थी? उत्तरी अमेरिका के आरंभिक निवासी नदी घाटे के साथ साथ बने गांवों में समूह बनाकर रहते थे। वे मछली और मांस खाते थे और सब्जियां तक मक्का उगाते थे। वे प्राय मांस की तलाश में लंबी यात्राएं करते थे और मुख्य रूप से उन्हें बाइसन अर्थात उन जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो घास के मैदान में घूमते रहते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर कवर कीजिएगा। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैम्पूम बेल्ट क्या थी। तो कुछ इस तरह जो है वैम्पूम बेल्ट जो है दिखा करती थी। तो वैम्पूम बेल्ट रंगीन सीपियों को आपस में मिलकर बनाई जाती थी और किसी समझौते के बाद अमेरिका के स्थानीय कबीलों के बीच इसका आदान प्रदान होता था। तो वैम्पूम बेल्ट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसे कवर करना है। आगे चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर, अमेरिका में मूल निवासियों से जमीनें प्राप्त करने के लिए लोग किस प्रकार किस आधार पर अपने आप को उचित ठहराते थे? तो जो मूल निवासियों से जमीन प्राप्त करने वाले लोग थे वो इस आधार पर अपने आप को उचित ठहराते थे कि मूल निवासी जमीन का अधिकतम प्रयोग तो करना नहीं जानते हैं, इसलिए वह उनके पास जमीन रहनी ही नहीं चाहिए। वे यह कहकर भी मूल निवासियों की आलोचना करते थे कि वे आलसी हैं और वे बाजार के लिए उत्पादन करने में अपने शिल्प कौशल का प्रयोग नहीं करते हैं। अंग्रेजी सीखने और ढंग के कपड़े पहनने में भी उनकी कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उसे बर्बर है वो असभ्य कहते थे। तो इसलिए ये सारी चीज ये कमी निकालकर जो यूरोपियंस थे अमेरिका के मूल निवासी जमीनों से छीन लिया करते थे। इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है कि वह उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में रिजर्वेंस या आरक्षण क्या थे? तो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को छोटे छोटे प्रदेशों में सीमित कर दिया गया था। यह प्राय ऐसी जमीन होती थी जिनके साथ उनका पहले से कोई नाता नहीं होता था। इन्हीं जमीनों को रिजर्वेंस अथवा आरक्षण कहा जाता था। तो इस तरह से सवाल जो है पेपर में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं जो चीजें मैं आपको बढ़ के बता रहा हूँ उसको आपको जरूर कवर करना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी का। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है अमेरिका है गोल्डन रश यानी अमेरिका महाद्वीप के लिए गोल्डन रश जो है किस प्रकार वरदान सिद्ध हुआ। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल्डन रश किस प्रकार जो है वरदान साबित होता है, वरदान सिद्ध हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन 8 नंबर में भी और 3 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो गोल्ड जो था जो गोल्ड रस था, ठीक है, गोल्डन रस से क्वेश्चन पूछा गया है। तो गोल्डन रस को देखते हुए पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया। इसके लिए हजारों चीनी श्रमिकों की नियुक्ति हुई और 1870 में संयुक्त राज्य अमेरिका में और 1885 में कनाडा में रेलवे का काम पूरा हो गया। स्कॉटलैंड से आने वाले एक अप्रवासी एंड्रिड कार्नेगी ने कहा था कि पुराने जो राष्ट्र हैं वो घोंगे की चाल से सरकते हैं और नया गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है। राइट, इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है उसको चेक कर लेते हैं जहां सवाल पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए 1934 में यह क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 1934 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल निवासियों के संबंध में एक युगांतकारी कानून पारित हुआ, यह क्या था? तो यह कानून था 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसके अनुसार रिजर्वेंस में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार दे दिया गया था। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब लागू किया गया, इस तरह सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मूल निवासियों ने किस दस्तावेज द्वारा और किस शर्त पर संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की? तो मूल निवासियों 1954 में अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स नामक दस्तावेज द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की और उनकी शर्त ये थी
कि उनके रिजर्वेंस वापिस नहीं लिए जाएंगे और उनकी परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इस तरह से वो क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के टॉरस स्ट्रेट टापू वासियों की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। इनके लिए एबर रीजनीज शब्द का प्रयोग नहीं क्यों नहीं होता, इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया खोज 1770 में किसने की थी, अंग्रेज नाविक कैप्टन कुक ने की थी। तो यहाँ सवाल पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलिया की गोरी सरकार ऑस्ट्रेलिया भूमि को टेरा न्यूलिस क्यों कहती थी। तो टेरा न्यूलिस का अर्थ है किसी की नहीं। सरकार का मानना था कि वहां की भूमि किसी की नहीं है, ऐसा वहां पर यूरोपियों द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण को औपचारिक बनाने के लिए किया जाता था या किया जाता रहा है। इस तरह सवाल जो है पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो ये चीजों को हमें कवर करके चलना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो जो चीजें मैं आप सभी को बता रहा हूँ, मेरे सभी प्रिय छात्र छात्राओं, तो इसको आप कवर कर लीजिएगा पेपर से पहले, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगला है, साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हो। उन यूरोपीय देशों के नाम लिखे जिन्होंने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। तो यूरोपीय देश जिन्होंने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया वह ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल, स्पेन। तो साम्राज्यवाद से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन जो 8 नंबर में पूछा जा सकता है वह है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासियों की अपनी जमीनों से बेदखली की समस्या की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। चिरोकी कबीले का विशेष रूप से उल्लेख कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो 8 नंबर में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है। तो ये जो है आपसे 8 नंबर में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको जरूर कवर कीजिएगा, राइट। चलिए अगला, गोल्ड रश से क्या अभिप्राय है। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे के निर्माण, उद्योगों के विकास और खेती के विस्तार में किस प्रकार सहायता पहुंचाई, अथवा गोल्ड रश अमेरिका के आर्थिक और राजनीतिक विस्तार में क्या भूमिका रही। तो ये सभी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, इन चीजों को आपको कवर करके चलना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल निवासियों के अधिकारों और हितों के लिए क्या किया गया, अब उनकी क्या स्थिति है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, नेटिव शब्द से क्या अभिप्राय है। अमेरिका की पूर्व संध्या से क्या अभिप्राय है। तो अमेरिका की पूर्व संध्या से अभिप्राय उस समय से जब यूरोपीय लोग अमेरिका में आए और उन्होंने इस महाद्वीप को अमेरिका नाम दिया। अगला है, चिरोकी कौन थे, उनके साथ क्या अन्याय हो रहा था। गोल्ड रश को किस बात ने जन्म दिया, यह क्या था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन जो हम कह रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको कवर करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑस्ट्रेलियन टॉपिक से आता है, 8 नंबर का, दी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस क्या थी। इसने ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की संस्कृति और परंपराओं को पुनर्जीवित करने में कैसे सहायता पहुंचाई, ये आपको कवर करना ही करना है। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन कवर किए, चाहे वो 1 नंबर वाले हों, 8 नंबर वाले हों, 3 नंबर वाले हों या 5 नंबर वाले हों, उन सभी क्वेश्चन को आपको कवर कर लेना, इससे बाहर इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।